हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के उभरते हुए चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों बज गए हैं दोपहर के 2 और हम हाजिर हैं इंग्लिश की बेहतरीन सी क्लास लेकर एनबीई के लिए। दोस्तों ये क्लास डेली 2 बजे होती है, तो 2 बजे आप सभी आ जाइए और एनबीई में जितने भी टॉपिक है ना, मैं सबके लिए आपको स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरा क्वेश्चंस कराने का दोस्तों टाइम नहीं, आप सभी को पता कि एग्जाम डेट काफी नजदीक है, 31 अगस्त को ही है। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए और अदर यूट्यूब चैनल्स की जो भी वीडियो ना सब लोग देखा करिए, ठीक है ना। आपका आपका मतलब आपका कार्य क्या है दोस्तों, स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ना और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों आज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे हिंदी में बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और 20 देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गजब गजब के 20 जो आपके एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीपीओ सीजीएल में पूछे गए हैं, सब उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला देखते हैं। दोस्तों मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो, अच्छे से समझेंगे और आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं ना तो निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा। पहला है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑफ ड्रग्स। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ड्रग्स के आदि हो जाते हैं, जो ड्रग्स का आदि हो चुका है, ठीक है ना, और डिपेंडेंट वन होता उसी पर निर्भर हो गया, ठीक है ना, कुछ उसी तरह के पदार्थ को लेने में खाने में उसी तरह का निर्भर हो गया, उसे बोलते एडिक्ट। क्या बोलते हैं? एडिक्ट। और ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एडिक्ट मतलब होता है दोस्तों नशेड़ी। क्या होता है? नशेड़ी। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे डिपेंडेंट हो गया है, क्या हो गया है? डिपेंडेंट हो गया ड्रग्स पे, सब जो गया पर डबल डी आ रहा है ना, डबल डी यहां पर भी डबल डी यहां पर भी, तो एडिक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एडिक्ट। डिपेंडेंट हो गया है मतलब एडिक्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों, डिपेंडेंट हो गया है मतलब एडिक्ट हो गया, किसका? ड्रग्स का। जो ड्रग्स का आदि हो गया वो डिडिक्ट हो गया, मतलब ए आगे लगा दीजिए, एडिक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। स्पेस मतलब होता है दोस्तों स्थान या जगह, ठीक है ना, और फियर मतलब होता है दोस्तों भय, आप सभी कितना चीज पता है। तो मतलब कुछ ऐसे जगहों पे जो है, जो मतलब ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा है, वो किसी अन्य जगह पे कमरे में बंद है और उसको डर लग रहा है, ठीक है दोस्तों, रात को कोई मूवी देख रहा है अकेले में, उसको डर लग रहा है, कहीं रात को अंधेरे में बैठा हुआ डर लग रहा है, दिन में ही कहीं कोने में बैठा उसे डर लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या बोलता है दोस्तों? क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि छोटी जगह में बंद होने का डर। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लोज्ड हो गया, देखिएगा दोस्तों, क्लोज्ड हो गया यानी कि कमरे में बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया मतलब क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया उसको, सी से क्लोज्ड हो गया मतलब क्लास्ट्रोफोबिया उसको हो गया। क्लास्ट्रोफोबिया एक तरीके का मन के अंदर मतलब भय होता है जब आप एक रूम में बैठते हैं, जब रूम में आप क्लोज्ड हो गए ना और आपको डर लगने लगा तो आप लोग क्या सोच लिए? क्लास्ट्रोफोबिया हो गया। क्या हो गया दोस्तों? क्लास्ट्रोफोबिया हो गया। चलिए तीसरा, कॉल अपॉन गॉड आर एनी अदर पावर। पावर मतलब होता है शक्ति। आप जब कभी भी मुसीबत में पड़ते हैं ना तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, जिस भी धर्म के होते हैं आप उसे याद करते हैं, ठीक है ना, उन्हें याद करते हैं। और सुख में तो भाई यार कोई नहीं याद करता, ये गलती आप लोग मत करिए, सुख में ही, दुख में अगर याद करें तो सुख में भी याद करिए, ठीक है ना। तो कॉल अपॉन गॉड, भगवान को याद करते हैं, आर एनी अदर पावर या किसी अदर शक्ति को बुलाते हैं, लाइक ला फॉर हेल्प आर प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन बचाव के लिए जब हम अल्लाह को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनोवेशन करना। हिंदुओं में बोला दो, हम चूंकि हिंदू है ना तो हिंदी में बोला, तो भगवान को आवाहन किया जा रहा है मतलब बुलाया जा रहा है, तो इनोवेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, आप लोगों को पता इन्वेंशन माने आविष्कार होता है, इन्वेंशन माने आविष्कार होता है, तो कहीं ना कहीं आविष्कार साइंस की देन है, ठीक है। अब यहाँ इनोवेशन किया जा रहा है यानी कि यहाँ पर भी खोज की जा रही है और यहाँ पे भी अल्लाह भगवान की खोज की जा रही है, तो इनोवेशन किया गया, ये इन्वेंशन किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दी, इनोवेशन किया गया। जब भगवान को बुलाता है कोई, ठीक है ना, याद करता है, आवाहन करता है, उसे हम इनोवेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहा है जिस तरीके से साइंस, उसी तरीके से हम भगवान को बुला रहे हैं, ठीक है ना। अगला, सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नलिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा मतलब बहुत सारे लेख होते हैं अभद्र टाइप के लेख होते हैं, ठीक है ना, तो सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स उसे क्या बोलते हैं?
स्क्यूरेलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यूरेलस यानी कि अभद्र लेख, क्या बोलते हैं, अभद्र लेख। देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं ना, जर्नलिस्ट होते हैं, थोड़ा सा लेख थोड़ा सा खराब लिखते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अभद्र लेख बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्क्यूरेलस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, स्क्यूरेलस बोल देंगे। अगला, अभी और भी, ये मत सोचिए कि केवल इतना ही कराऊंगा, अभी और मेरे पास है, घबराइए मत, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डर खत्म होगा। पांचवा, ए पर्सन हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि उसे हम बोलते हैं दोस्तों पैसिफिस्ट। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा, भारत भारत और चाइना से युद्ध मान लीजिए हो नहीं रहा है, अगर होता भी है तो भारत थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है ना, वो थोड़ा शांतिवादी चाहता है, शांत मतलब युद्ध ना हो, भारत लास्ट स्ट्रेटजी तक ही अपनाता है कि युद्ध ना हो, तो शांतिवादी धारा ये विचारधारा हो गई, ठीक है ना। तो ए पर्सन हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसे बोलते तो पैसिफिस्ट। अब देखिएगा, युद्ध विरोधी शांतिवादी, आप लोग जानते हो पीस मतलब होता है शांति, तो पीस मतलब होता है शांति, और ये शांतिवादी कहीं नहीं सुझाएगा, इसी को थोड़ा जोड़ दीजिए, पैसिफिस्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पैसिफिस्ट, जो युद्ध विरोधी मतलब युद्ध ना चाहता हो, ठीक है ना, और वो क्या हो दोस्तों, शांतिवादी हो। तो ए पर्सन हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड पैसिफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसे ये ना पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है दोस्तों, जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती है उसे हम बोलते हैं ए मोरल। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, मोरल माने होता है नीति, क्या होता है, मोरल मतलब होता है नीति, जो नीतिवादी होता है उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है, तो अगर इसी के आगे ए लगा देते हैं, ए मोरल, यानी कि उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, वो यानी कि नीतिहीन हो जाता है, मोरल माने होता है नीति और ए मोरल माने नीतिहीन। वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, उससे हम बोलेंगे ए मोरल अर्थात नीतिहीन, मोरल माने नीति है, तो अगर उसको नीति पूरा नहीं पता है पूरे सिस्टम का किसी भी एंगल से, तो उसे हम ए मोरल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले की तरफ आ जाते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो मतलब समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, काफी दिनों से जिसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, काफी दिनों से जिसका कोई भी यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे टेलीफोन होगा, पहले जो टेलीफोन आते थे दोस्तों, अब उनका यूज कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसका उसे हम बोलते हैं समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, देखिए एब्सोल्यूट नहीं है दोस्तों, ए से नहीं ओ से शुरू है, ठीक है, एब्सोल्यूट बोलते हैं, अप्रचलित। अब जैसे कहें एब्सोल्युटली गुड शॉट, क्या होता है, एब्सोल्युटली गुड शॉट, तो इसी में जोड़ दीजिए एब्सोल्यूट, क्या जोड़ दीजिए दोस्तों, एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्युटली गुड शॉट, आपने देखा मैच वगैरह में देखा होगा ना, तो गुड शॉट लगाया गया, तो उसी से एब्सोल्यूट याद कर लीजिए, ठीक है ना, एब्सोल्यूट, जो कभी मतलब पहले मतलब टेलीफोन वगैरह यूज होते थे, मतलब बहुत सारी चीजें जो पहले यूज होती थी अब नहीं यूज होती है ना, उन्हें बोलेंगे एब्सोल्यूट। देखिएगा दोस्तों, मैं किसी भी एंगल से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मेथड अच्छा नहीं लगा अलग बात है, आप खुद से भी याद कर सकते हो, या तो ट्रिक बना या तो वैसे याद करिए, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर आपका ट्रिक बेकार है, दोस्तों ट्रिक बेकार नहीं होती है, ठीक है, आप अपने साइड से चाहे जैसे याद करिए, आपको याद करना है और मेरे से जितना हो पर मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो समथिंग नो ला जो नहीं जो अप्रचलित। अगला, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, देखिएगा दोस्तों, टॉम्ब मतलब होता है समाधि स्थल, दोस्तों टॉम्ब मतलब क्या होता है, समाधि। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जब कब्र उब्र मतलब रहता है ना, वहां पे कुछ लिखा रहता है, मतलब उसी के ऊपर लिखा रहता है ना, तो उसी को टॉम्ब बोलते हैं। तो वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, उसको बोलते हैं एपिटेफ, क्या बोलते हैं, एपिटेफ अर्थात समाधि लेख, क्या बोलते हैं, समाधि लेख, यानी उस पे जो लिखा रहा एपिटेफ बोलते हैं। अगला, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जो मतलब मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ाता था दोस्तों, और ऑनलाइन भी 3-4 सालों से हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि मतलब जिसके पास काफी एक्सपीरियंस हो, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको बोलते हैं वेटरन, जिसे बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति, क्या बोलते हैं, वेटरन, क्या बोलते हैं, वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। अब इसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों, एक वेटर होता है, क्या होता है, वेटर होता है, वो काफी दिनों से जो है काम करते करते उसको एक्सपीरियंस हो गया काम कर, ठीक है ना, काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो वेटर से जोड़ दिए वेटरन, कि एक वेटर था उसको कई सालों का क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो इसको जोड़ दिए वेटरन से, किसको जोड़ दीजिए, वेटरन से। अगला जाइए, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि कुछ भी करने की अगर आपके अंदर इच्छा है, कुछ भी आप कर सकते हैं ना, समथिंग कैपेबल मतलब होता है क्षमता,
आप बीइंग डन, कुछ भी करने की अगर आपको क्षमता है, ए टू जेड महेंद्र सिंह धोनी बनने की क्षमता कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिबल, फिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिजिबल। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फियर वाले क्या होता है दोस्तों, भय होता है। अब भय से मुक्त रहेंगे तभी तो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो इसको बोल देंगे फियर को थोड़ा सा कर देंगे फिजिबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले की तरफ आते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। क्लास कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट करके दोस्तों आपसे ही बताइएगा। ठीक है, अभी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये नहीं किसी पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ एनबीई में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इसीलिए सारी क्लासेस को लगा रखा हूँ। और आप लोगों ने अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, तो एक्स्ट्रा शॉर्ट को जाइए आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर एडवांस मैथ और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। चलिए अभी और भी करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसे ही छोड़ दे रहा हूँ। 11 लेते हैं, मोरली बैड आर इवल। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, मोरली बैड आर इवल, यानी कि बैड माने बुरा और इवल मतलब होता है दोस्तों बुराई। बुरा और बुराई जो होता है दोस्तों, जिसका चरित्र भ्रष्ट हो चुका होता है, ठीक है ना, एकदम चरित्रहीन हो चुका होता है, मोरली बैड आर इवल उसको बोलते हैं। और इसका इंग्लिश हो जाता है दोस्तों डिप्रेव, डी ई पी आर ए वी ई डी, डिप्रेव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रेव्ड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चरित्र भ्रष्ट। क्या बोलते हैं? चरित्र भ्रष्ट, यानी कि जिसका चरित्र है ना एकदम हीन हो चुका, बेकार हो चुका है, उसका बोलते हैं दोस्तों डिप्रेव्ड। क्या बोलते हैं? डिप्रेव्ड। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, कोई लड़का रहता है ना वो पूरा डिप्रेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है? डिप्रेशन में आ जाता है, अपने मतलब किसी के भी याद में वो डिप्रेशन में आ जाता है ना, तो उसका अब वो गलत चीजें सोचने लगता है, कुछ अलग हटकर सोचने लगता है, तो उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। तो डिप्रेशन में था, तो डिप्रेशन में था तो इसे डिप्रेव्ड याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? डिप्रेव्ड याद कर लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में था वो बुराई मतलब बुरा बन गया, ठीक है ना, तो वो डिप्रेव्ड हो गया। समझ में आया? चलिए अगला, बीटर, बीटर एंड इरोनिकल, इरोनिकल रिमार्क्स, रिमार्क इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? बीटर एंड इरोनिकल रिमार्क दोस्तों, आप लोगों ने देखा बीटर मतलब कड़वा और इरोनिकल रिमार्क मतलब होता है जैसे कोई कहीं जा रहा है, मतलब तंज कसना जिसे बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तंज कसना बोल देंगे दोस्तों, कोई कहीं उसके ऊपर कमेंट करना बार बार, ठीक है ना, बार बार कमेंट करना, बीटर में तीखा बोलना, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ताना, हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा ताना, और इसका हो जाएगा एस ए आर सी ए एस एम, स्क्रेजम, सर्किज्म, ठीक है ना। अगर कोई ताना मारता आपको, बीटर एंड आयरोनिकल रिमार्क, तो उसको बोलते हैं सर्किज्म, ताना जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ए साइंटिफिक, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन प्लांट्स, बिटवीन प्लांट्स एंड देयर इन्वायरमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है ए साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ द रिलेशनशिप, संबंधों का, किसके किसके बीच, प्लांट और देयर इन्वायरमेंट, पौधे और उनके वातावरण का जो स्टडी किया जाता है ना वो किसके तहत किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है इकोलॉजी के तहत। ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा, इकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, देखिए ई से इन्वायरमेंट और ई से इकोलॉजी, ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप लोग। तो ई से इन्वायरमेंट और ई से इकोलॉजी, जिसका हिंदी होता है दोस्तों परिस्थितिकी विज्ञान। क्या होता है? परिस्थितिकी विज्ञान। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 14, अगर आप सभी सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो ज्यादा क्लासेस लगवाऊंगा, ऐसे भी चार क्लासेस चल रही है, ठीक है, एनबीई स्पेशल के लिए ही। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, अगर मेंबर, मेंबर ऑफ ए ट्राइब, मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वंडर्स, दैट वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मेंबर मतलब होता है सदस्य, और ट्राइब मतलब होता है आदिवासी जनजाति। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे गांव में जो आते हैं टेंट वगैरह जो है
गाड़ के रहते हैं ना, वही सब जनजाति वगैरह कहते हैं। तो जो एक जगह से जो है, मान लीजिए एक जगह पर थे बी जगह पर चले गए, एक जगह से जाते फिर बी से सी जगह पर चले गए, मतलब इधर उधर आते जाते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है ना। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एकदम आप सभी को पता है, उन्हें नुमाड बोलते हैं, खाना बदोश जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाना बदोश। ये चीज सबको पता होना चाहिए, नोमाड्स, नोमाड्स पीपुल मतलब खाना बदोश लोग। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मेंबर माने होता है दोस्तों सदस्य, एम के बाद क्या था एन आता है, एम के बाद क्या था एन आता है। और एग्जाम में दोस्तों क्या होता है ना कि आपको मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया तब भी ट्रिक मार सकते हैं, एम के बाद एन आ गया तो नो मार्क कर दीजिए बस, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन 15, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज। दोस्तों ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, अगेंस्ट माने होता विरुद्ध, जो बदलाव के दोस्तों विरुद्ध है, ठीक है ना। हु इज अगेंस्ट चेंज। दोस्तों बहुत सारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मतलब पुराने विचारधाराओं से हैं, पुराने मतलब अभी भी ख्याल उनके अंदर आते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं कहते नहीं, ये पुराना छोड़ो नया अपनाओ, ठीक है, तो रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज, उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, जिसे बोलते हैं रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूढ़िवादी। ये चीज समझ में आया ना, कंजर्वेशन बोलते हैं ऐसे पीपुल को जो चेंज के अगेंस्ट रहते हैं, जो चेंज के दोस्तों अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है ना। अगला काफी मतलब इंटरटेनिंग क्वेश्चन 16 जो है ना, काफी अच्छा है, चलिए देखते हैं। वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, जो एक लेडीज के साथ दोस्तों क्या करता है ना, फ्लर्ट करता है। फ्लर्ट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, जो लेडीज के साथ जो दोस्तों फ्लर्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन SSC बहुत बार पूछती है, ठीक है। वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, जो लेडीज के साथ दोस्तों फ्लर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हम दोस्तों बोलते हैं फिलेंडरर। क्या बोलते हैं? फिलेंडरर, जिसे बोलते हैं इश्कबाज। क्या बोलते हैं? इश्कबाज। ये क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है ना। फिलेंडरर क्या होता है? फिलेंडरर मतलब होता है इश्कबाज। ये तो शायद ही भूले, ठीक है ना, जो लड़कियों से मतलब लेडीज से जो थोड़ा सा फ्लर्ट करे उसको फिलेंडरर बोलते हैं, अर्थात इश्कबाज बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 16 की तरफ दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे जैसे आएंगे ना आप मेरी क्लासेस से देखेंगे कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों। मैं ये नहीं कह सकता यही पढ़िए यही आ गया, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं अपने हिसाब से TCS बेस पर इम्पोर्टेंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। आना ना आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता, और भी क्लासेस जितनी भी चले दोस्तों लीजिए आप, ठीक है, धुआंधार तरीके से। और जो भी आपका सब्जेक्ट मतलब वीक है ना, आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। 17 की तरफ आ गए। वन हु इज ग्रेडी, ग्रेडी मतलब होता है दोस्तों लालची, जो लालची उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। वन हु इज ग्रेडी, जो दोस्तों ग्रेडी मतलब होता है दोस्तों लालची। क्या होता है? लालची। अब लालची किसे कहते हैं? सोना चांदी पाने की इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा हो तो ग्रेडी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवेरिकस, AVARICIOUS, इसी को, इसको भी हम बोलते हैं लालची, एवेरिकस, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 18, ए डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रो एयर एंड वाटर। दोस्तों डिजीज मतलब क्या होता है, आप सभी बता दीजिए फटाफट। डिजीज मतलब होता है रोग, विच स्प्रेड मतलब होता है फैलता है, थ्रो एयर एंड वाटर, वह रोग जो पानी और हवा से फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जैसे कोरोना वायरस है ना, तो इस तरीके का एग्जाम में पूछ सकता है, वायरस से रिलेटेड इस समय चल रहा सीजन, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा, INFECTIOUS, इन्फेक्टस, ठीक है। तो ये होता है संक्रामक, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन को जो है 20 मिनट का रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मुझे बनाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर सकते थे, अभी कल भी यही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही कराऊंगा, ठीक है।
उसका ईडियम फ्रेज है दोस्तों, आपको आइडिया लग रहा है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को करना क्या है, ये क्लास लीजिए, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।